आज हम लोग 12th बिहार बोर्ड का इंग्लिश का एक प्रोज चैप्टर द आर्टिस्ट का अध्ययन करेंगे। आर्टिस्ट कलाकार, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, करीब 1 से 1.5 घंटे की होगी, क्योंकि प्रोज है, कहानी है, तो बच्चे लोग एकाग्रचित्त होकर, कहीं शांत दिमाग होकर बैठेंगे और अगर ध्यान से सुनेंगे तो उन्हें पूरी कहानी भी समझ में आ जाएगी और साथ ही साथ अगर 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो हिंदी भी सीख जाएंगे। सेबी नाम का एक कैरेक्टर आएगा जो इसी प्रकार का कलाकृति बनाता था कदुओं से, देख लीजिए कितना सुंदर सुंदर तस्वीर बनाता था। खैर, बात उठता है कि सर ये कलाकार कहते किसे, बात उठता है कि सर ये कलाकार कहते किसे, आर्टिस्ट मिस होता है कलाकार, तो कलाकार है कौन सर, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो समझिएगा बाबू, कलाकार वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने कला के बल पर एक तुच्छ वस्तु को भी बहुमूल्य बना दे, उसे कलाकार कहते हैं। जो एक तुच्छ वस्तु को भी बहुमूल्य बना दे उसे कलाकार कहते हैं, और उसके द्वारा बनाई गई चीजों को कलाकृति कहते हैं, क्यूरियो कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जिस मिट्टी को आप तुच्छ समझकर, पैरों की धूल समझकर आप उसे रौंदते चले जाते हो, जब कोई कलाकार उसी मिट्टी पर अपना कला का प्रदर्शन दिखाता है तब उससे बहुत सुंदर सुंदर देवी देवताओं की प्रतिमाएं बना देता है, और जिसके सामने आप अपने शीश को झुकाते हो, देखिए जिसे कभी पैरों की धूल मानते थे आज उसके सामने आपको अपना शीश झुकाना पड़ रहा। उसी मिट्टी से कलाकार बहुमूल्य खिलौने बना देते हैं जिसके लिए आपके बच्चे रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं अपना, और अंततः आपको वे खिलौने खरीदने पड़ते हैं अपने बच्चों के लिए। ऐसे लोगों को कलाकार कहा जाता है। तो द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी है, जिसके लेखक का नाम सिगा नया है। सिगा नया ये एक जापानीज राइटर हैं, जापान के लेखक हैं। इनका जन्म 1883 में हुआ था और मृत्यु 1971 में हुआ था। 1883 में जन्म लिए थे और 1971 में मृत्यु हुआ था। इस कहानी में सेबी नामक एक कलाकार का वर्णन है, तो हम लोग कहानी में डिटेल से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं कहानी डायरेक्ट शुरुआत करता हूँ, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए कहानी बनाया हुआ, मैं डायरेक्ट कहानी पढ़ता हूँ, बाबू ध्यान से समझिएगा। 1883-1971 सिगा नया जापानीज राइटर सेबी इस कहानी का मुख्य पात्र है। क्या कहता है सो सुनिए। कह रहा है बाबू कि सेबीज पेरेंट्स न्यू डैट, सेबी के माता पिता जानते थे कि, शब्द बाय शब्द, सेबीज पेरेंट्स न्यू डैट, सेबी के माता पिता जानते थे कि ही ऑफेन, वह प्रायः बेंट आउट बाहर जाता था टू बाय, खरीदने के लिए, स्वयं के लिए कद्दू, गॉट्स का मतलब कद्दू या कोहरा भी कह सकते हो। सेबी के माता पिता को इस बात की जानकारी थी कि सेबी जब कभी बाहर जाता है वह प्रायः अपने लिए कद्दू खरीदता था। ही गोट देम, गेट का मतलब पाना, वह प्राप्त कर लेता था उन्हें, वह उन कद्दूओं को खरीद लेता था, फॉर ए फ्यू सेन,
कुछ ही पैसों में, जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, उसके छोटी इकाई को पैसा कहा जाता है, वैसा ही जापान की मुद्रा येन है और उसके छोटी इकाई को सेन कहते हैं। तो इसको आप रुपया कह सकते हो, इसको आप पैसा कह सकते हो। तो ही गोट देम, वह प्राप्त कर लेता था उन्हें, फॉर ए फ्यू सेन, कुछ ही पैसों में। अब जब कुछ ही पैसों में प्राप्त कर लेता था, और जब कभी बाहर जाता था अपने लिए कद्दुए खरीदता था, उसके पास बहुत कद्दुओं का ढेर लग गया था। एंड सुन, और शीघ्र ही हैड ए सीजेबल कलेक्शन, सीजेबल का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और शीघ्र ही उसके पास बहुत बड़ा संग्रह हो गया था कद्दुओं का, यानी कि उसके पास बहुत सारा कद्दू जमा हो गए थे। कहता है भेन, जब ही कम होम, जब वह घर आता था कद्दू लेकर, ही वुड फर्स्ट, वह सबसे पहले, बोर ए नीट होल, होल का मतलब छिद्र, वह सबसे पहले एक साफ सुथरा छिद्र करता था। ही वुड बोर ए नीट होल, वह सबसे पहले एक साफ सुथरा छिद्र करता था, इन द टॉप ऑफ द गॉड, कद्दू के ऊपरी सिरे में। यानी कि जब वह बाजार जाता था और बाजार से वह कद्दू लाता था या कोहरा लाता था, तो इसके ऊपरी सिरा में यह सबसे पहले एक होल करता था, एक छिद्र करता था। एंड एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स बाहर निकालना, और बाहर निकाल लेता था द सीड्स, बीजों को, इस कद्दू के अंदर जो भी बीज थे इस छिद्र से वह बाहर निकाल लेता था। तो याद रखना, कद्दू लेला के बाद सबसे पहले ऊपरी सिरा में एक छिद्र करता था और उस छिद्र से वह बीजों को बाहर निकाल लेता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब प्रयोग करना, इसके बाद वह प्रयोग करता था टी लिप्स, चाय के पत्तियों का, चाय के पत्तियों का प्रयोग करता था, टू गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब हटाना, हटाने के लिए अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब दुर्गंध होता है, दुर्गंध जिसको गमक कहते हो, यानी कि कद्दू के दुर्गंध को हटाने के लिए वह चाय के पत्तियों का प्रयोग करता था। देखता हुआ कद्दू और कोहरा हरियाणा टाइप के गमकता, तो वह क्या करता था कि इसके दुर्गंध को दूर करने के लिए चाय के पत्तियों का प्रयोग करता था। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब कभी वह बाजार जाता था अपने लिए कद्दू खरीद कर लाता था, वह उसे कुछ ही सेन, कुछ ही पैसों में प्राप्त कर लेता था। कद्दू लेला पर सबसे पहले उसके ऊपरी सिरा में एक छिद्र करता था और उस छिद्र से वह कद्दू के बीज को बाहर निकाल लेता था। फिर कद्दू के अनप्लीजेंट स्मेल, दुर्गंध को दूर करने के लिए वह चाय के पत्तियों यानी कि टी लिप्स का प्रयोग करता था। आगे पढ़ते, कहता रे बाबू कि ही देन, वह तब, ही देन यानी कि वह तब, कह रहा है ही देन यानी कि वह तब, फेच, फेच का भी मतलब लाना होता है, वह तब लाता था, क्या लाता था, सेक, पेय पदार्थ को कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ चाय पीते हो, मिल्क सेक पीते हो, जापान में भी उसके पिता एक पेय पदार्थ पीते थे जिसे सेक से इंडिकेट किया जाता है, सेक से इंडिकेट किए हैं लेखक ने। तब वह कुछ सेक लाता था, विच ही हैड सेव्ड, जिसे वह बचाता था फ्रॉम द ड्रेक्स, ड्रेक्स का मतलब पेंदी होता है, जिसे वह बचाता था, पेंदी से बचाता था। पेंदी किसको कहते हैं, कप के निचले सिरा, इसको पेंदी कहा जाता है, जिसे वह बचाता था पेंदी से, इन हिज फादर कप, अपने पिता के कप से, एंड केयरफुल्ली, और सावधानी पूर्वक पॉलिश, चमकाता था इस कद्दू के सतह को। यह उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट था। सबसे पहले कद्दू लाया, उसके ऊपरी सिरा में छेद किया,
उससे बीज को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालला के बाद कद्दू के दुर्गंध को दूर करे ले टी लिप्स चाय के पत्तों का प्रयोग करता था। उसके बाद इसके सतह को पॉलिश करता था, चमकाने के लिए वह सेक का प्रयोग करता था। और वह सेक कहाँ से लाता था, तो उसके पिताजी जो कप में सेक पीते थे वो करपेंदी में जो कुछ बच जाता था, देखते होंगे जब आप लोग भी चाय पीते हैं तो कुछ चाय का अंश पेंदी में बच जाता है, तो वहाँ भी बच जाता था, उसे ही सावधानी पूर्वक जमा करके रखता था और उसे कद्दू के सतह को चमकाता था। यह प्राइमरी ट्रीटमेंट था, तीन गो, पहले बीज को बाहर निकाला, फिर दुर्गंध को दूर करेल चाय के पत्ती का प्रयोग किया, उसके बाद वह कद्दू के सतह को चमकाने के लिए सेक का प्रयोग करता था। आपने तो देखबे किया कि कितना सुंदर सुंदर तस्वीर वह बनाकर बनाता था, यानी कि कितना सुंदर सुंदर जो है वह कलाकृति का निर्माण करता था, आप तो देख ही रहे। खैर, अब क्या करता था, पैराग्राफ नंबर टू में जरा देखिएगा रे बाबू, पैराग्राफ नंबर टू ध्यान से समझोगे क्या कह रहा है। पैराग्राफ नंबर टू में कह रहा है रे बाबू कि सेबी बाज पैसिनेटली, पैसिनेटली का मतलब उग्र रूप से, एकदम व्याकुल, पागल होना, कैसे अनबहेर लड़का जो अभी आईएस में पढ़ रहा है, पढ़ने के प्रति प्यार न है, किसी लड़की के प्रति प्यार, वो अनबहेर। सेबी बाज पैसिनेटली, सेबी उग्र रूप से इंटरेस्टेड, रुचि रखता था कद्दूओं में, यानी कि सेबी उग्र रूप से कद्दूओं में रुचि रखता था। सेबी कद्दूओं के प्रति बहुत ही दीवाना था, कद्दूओं के प्यार में पागल था, क्योंकि वह एक कलाकार था और उसी कद्दू से वह कलाकृति का निर्माण करता था। कहता वन डे, देखो कितना पागल था, कितना दीवाना था, देखना कि जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में पागल होता तो उसके जैसा दिखने वाली जितनी भी पतली दुबली लड़की है, उसके जैसा बाल रखने वाली, पीछे से उसको लगता है कि मेरी प्रेमिका ही जा रही। वही बात यहाँ पे होता है, कद्दू का सतह कैसा होता है, चिकना होता है, चिकना होता है, कुछ कद्दू में कोहरा गोलाकार भी होता है। किसी बूढ़े व्यक्ति का जो सर गंजा होता है वो भी पूरा चिकन होता है, इस सतह को वह कद्दू समझ लेता है, यानी कि कद्दू जैसा दिखने वाली हर वस्तु उसे कद्दू ही नजर आती। कहता है वन डे, एक दिन ही बाज स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉल मिस होता है भटकना, एक दिन वह भटक रहा था अलोंग द बीच, बीच कहते हैं समुद्र तट को, एक दिन की बात है वह भटक रहा था समुद्र तट के किनारे, एब्जॉर्ब्ड, खोया हुआ था, मगन था, लीन था इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, अपने पसंदीदा विषय में, और उसका पसंदीदा विषय क्या था, कद्दू था। कद्दू के बारे में ही वह समुद्र तट के किनारे सोचते हुए जा रहा था। He was startled, startled का मतलब अचंभित रहना, वह अचंभित रह गया, वह आश्चर्यचकित हो गया, by an unusual sight, एक असामान्य दृश्य को देखकर, unusual, असामान्य दृश्य को देखकर, उसे एकाएक एक नजारा नजर आया जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया। क्या नजर आया था भाई, he caught a glimpse, glimpse का मतलब होता है झलक, उसे झलक दिखाई दिया, उसे नजर आया, ऑफ द बैल्ड, बैल्ड कहते हैं रे बाबू गंजे को जिसके सर के ऊपर बाल नए हो, इलोंगेटेड, थोड़ा सा लंबा, इलोंगेटेड लंबा, इसमें लॉन्ग आया, उसे झलक दिखाई दिया, उसे नजर आया, एक गंजे लंबे सिर वाले एक बूढ़े व्यक्ति का जो हरिंग आउट, हरी का मतलब जल्दीबाजी में बाहर निकल रहा था, वन ऑफ द हट, एक झोपड़ी से, बाय द बीच, समुद्र तट के किनारे, उसे एक व्यक्ति का, बूढ़े व्यक्ति का गंजा लंबा सर नजर आया जो कि एक झोपड़ी से बाहर निकल रहा था, अभी ऐसे खाली मुरिए बाहर किया था। भाट ए स्प्लेंडिड गॉट,
कितना शानदार कद्दू है, तुम कहते हो कितनी सुंदर लड़की है, डैट मीन्स बड़ी ज्यादा सुंदर, निकल के कितना शानदार कद्दू है, डैट मीन्स उसे उसे बहुत शानदार लगा। थाउट सेबी, सेबी ने सोचा कि बाप रे कितना शानदार कद्दू है। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति यानी कि उसके गंजे लंबे सर को इसने कद्दू समझ लिया था, क्योंकि उसका सर चिकना था, कद्दू भी चिकना रहता है, हल्का सा लंबा था, कद्दू भी लंबा रहता है। अभी ऐसे मुरिया निकाला था, जखनी ओरा लग ले रे कद्दू है, लेकिन ये क्या ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति डिसएपियर्ड, गायब हो गया फ्रॉम द साइट, दृष्टि से, नजर से। बूढ़ा व्यक्ति अपन सर हिलाते डुलाते उतार चल गए, बैगिंग हिलाते डुलाते अपने गंजे लंबे सिर को। बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया दृष्टि से, नजर से, हिलाते डुलाते अपने गंजे लंबे सिर को। जब बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया तब सेबी को एहसास हुआ, ओनली देन, केवल तभी सेबी रियलाइज, सेबी को महसूस हुआ अपनी गलती का। अरे यार, हम भी कितना बड़ा पागल है, एक गंजा मथवा के, बेलमुंड मथवा के हम कद्दू समझ के लिए। उसे अपनी बेवकूफियों पर, अपनी मूर्खता पर उसे पश्चाताप हुआ। एंड ही स्टूड देयर, और वह वहां खड़ा हो गया लाफिंग, हंसते हुए, जोर जोर से हंसने लगा स्वयं पे कि हम भी कितना बेवकूफ है, कद्दूओं के प्रति कितना दीवाना है, कि हर लंबा चिक्कन दिखने वाली वस्तु हमें कद्दू ही लगती है। इतना ही नहीं, ही लाफ्ड, वह हंसा ऑल द वे होम, पूरे घर के रास्ते वह हंसते गया, हंसते गया। खैर, इतना दीवाना था, इतना दीवाना था कि मत पूछो यार। देखो, भेन इवर ही पास्ट, जब कभी वह गुजरता था। बच्चे लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, जरूर समझ में आएगा, और यदि अच्छा लगता हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। अपने दिल को थाम कर बैठो, प्यार के प्रति लगाव को पैदा करो। अब ऐसे तो पढ़ना कष्ट का काम है, ये है, मन तो नहीं है लगेगा। अब 5 मिनट देखोगे, अच्छा बाद में पढ़ लेवे, ऐसा ही छुट्टल रह जाएगा, पूरा देखिए। और जब अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा और एक कमेंट भी कीजिएगा। भेन इवर ही पास्ट, जब कभी वह गुजरता था, एक ग्रोसरी, एक सब्जी विक्रेता की दुकान से। कद्दू सब्जी में आता है, लेकिन यहाँ फल बताएगा, फ्रूट में। तो जब कभी वह गुजरता था एक सब्जी विक्रेता की दुकान से, एक क्यूरियो शॉप, एक कलाकृति के दुकान से, एक कन्फेक्शनर, एक मिठाई वाला के दुकान से। या तो वह सब्जी विक्रेता के दुकान के बगल से गुजरे, या तो कलाकृति के दुकानदार के बगल से गुजरे, या तो मिठाई वाला के दुकान के बगल से गुजरे। इनफैक्ट, वास्तव में, एनी प्लेस, कोई भी जगह से गुजरे, डेट सोल्ड गॉड्स, जो बेचता था कद्दू, शब्द बाय शब्द, खाली नजर गराए रखना वीडियो पे। ही स्टूड, वह खड़ा हो जाता था फॉर मिनट्स, कुछ मिनट के लिए, कुछ समय के लिए वो कद्दूए निहारते रहता था। ऑन एंड, अंत तक, हिज आईज, उसकी आंखें, ग्लूड, निहारते रहती थी, झांकते रहती थी उस खिड़की के तरफ जहां कद्दू लटका रहता था, रखा रहता था, और अप्रेजिंग, आकलन करते रहता था कि कद्दू का कलाकृति बढ़िया बनेगा कि नहीं, हमारे लायक है या नहीं, द प्रीसियस फ्रूट, उस बहुमूल्य फल का। याद रखना, ऐसे गॉड सब्जी है, वेजिटेबल है, लेकिन लेखक ने यहाँ फ्रूट दिया है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में दे तो फ्रूट ही मारना। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि जब कभी सेबी जो है किसी भी सब्जी विक्रेता, मिठाई वाला, या तो कलाकृति का दुकान
वास्तव में कोई भी स्थान जहां कद्दू बेचा करते थे, अगर वहां से गुजरता था तो वह कुछ समय के लिए खड़ा हो जाता था, और जितना अंत तक खड़ा रहता था उतना देर तक वह उस फल का आकलन करते रहता था कि इसका कलाकृति बनेगा कि नहीं बनेगा। कहा जाता है रे बाबू, ध्यान से ऑब्जेक्टिव आएगा कि सेबी बाज 12 इयर्स ओल्ड, सेबी 12 साल का लड़का था, जापानी लड़का था, एंड स्टील और अभी तक प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता था। 12 साल का हो गया था लेकिन अभी तक प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ता था। सोचो 14 साल में लोग मैट्रिक पास कर जाते हैं और इसकी उम्र 12 साल हो गई है, और प्राइमरी स्कूल कैमा तक होता है, पांचवा तक। एरे से पता चलता है कि वह पढ़ने में कितना तेज था। अभी पचमो पास नहीं किया था, डेट मीन्स उसका ज्यादा ध्यान कलाकृति बनाने पर ही लगा रहता था। आफ्टर क्लासेज, क्लास के बाद जब क्लास खत्म होता था, इन स्टीड ऑफ का मतलब के बदले में होता है, इन स्टीड ऑफ प्लेइंग विथ द अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बदले में। हम लोग क्या करते थे, आप लोग क्या करते कि जब स्कूल खत्म होती थी दूसरे बच्चा के साथ, दोस्त यार के साथ खेलने चल जाता था। लेकिन यह दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बदले में ही इजुअली बाउंडेड, वह सामान्यतः भटकते रहता था। कहाँ? अबाउट द टाउन, शहर में, लुकिंग फॉर, तलाश करता था, खोज करता था कदुओं का। वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं जाता था, वह शहर में ही भटकते रहता था और कदुओं की तलाश करता था। देन इन द इवनिंग, तब शाम में, जब एकागो बढ़िया कद्दू, छोटा और समरूपी कद्दू खोज कर ले आता था, तब शाम में उड सीट बैठ जाता था, क्रॉस लेग्ड पालथी मारकर, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के क्रॉस लेग्ड पालथी मारकर बैठना, इन द कॉर्नर, कोना में ऑफ द लिविंग रूम, सोने वाले कमरे के कोने में बैठ जाता था, वर्किंग काम करता था, ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, अपने नए प्राप्त फल पर वह काम करता था। जब वह शाम में कद्दू लेकर आता था तो अपने सोने वाले कमरे में के कोना में छुप कर बैठता था, कहे कि माए बाप गरियाता था, गुस्साता था, कोई भी व्यक्ति गुस्साएगा पर एक बल्ले कद्दू जमा कर रहा। कोना में बैठकर वह अपने नए प्राप्त फल पर काम करता था। क्या क्या काम करता था, कैसे कलाकृति बनाता था, ध्यान से समझिए। कहता है भेन ही हैड, जब वह फिनिश समाप्त कर लेता था, ट्रीटिंग इट, इसका उपचार, जब वह इसका उपचार समाप्त कर लेता था, प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या था, कद्दू को लाया, इसके ऊपरी सिरा में एक छेद किया, होल किया, एरा से बीज को बाहर निकाल लिया, बीज को बाहर निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट सीड, बीज को बाहर निकाल लिया, इसके दुर्गंध को दूर करे ले, किसका, टी लिप्स, चाय के पत्ती का प्रयोग किया, और इसके सतह को पॉलिश करता था, चमकाता था कौची से, सेक से, यह प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ। तो जब इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ समाप्त कर लेता था, पोर्ड, पोर का मतलब डाल देना, देखता होगा बचपन में, कहता है देखिन मम्मी वो हमारा रंगवा पोर दल को, पोर दल को डेट मीन्स डाल दल को, ही पोर्ड, वह डाल देता था ए लिटिल सेक, थोड़ा सा सेक, थोड़ा सा पेय पदार्थ इस छिद्र के माध्यम से। एरा में क्या करता था रे बाबू, समझिएगा, इस छिद्र के माध्यम से वह इसमें क्या करता था कि थोड़ा सा सेक डाल देता था, सेक, एरा में सेक डला गले। अच्छा बताएं, सेक तो पेय पदार्थ है, लिक्विड है, आई छेदा रहते तो गिर जीते, तो छेदा के बंद कर देता था, इंसर्टेड, बंद कर देता था एक कॉर्क स्टॉपर, कॉर्क स्टॉपर एक टिप्पी से, विच ही हैड फैशन्ड, जिसे वह सजाया था, जिसे वह बनाया था स्वयं से, वो टिप्पी अपने बनाया था।
वैज्ञानिक भी हले। कैसे बनाता था देखता होगा आपकी मम्मी, जब किसी बोतल का ढक्कन भुला जाता है तो उसमें एगो बलरी डाल देती है, चाहे कपड़ा ठूस देती है। बलरी मकई का जो बाल होता है, जब अनाज उससे निकाल लेते हो तो बलरी डाल देना। वो इसने यो एगो टिप्पी बनाया था, सेकवा डालला के बाद इसको वह बंद कर देता था, क्लोज कर देता था। अब क्या करता था, रैप्ड इट, रैप मिस होता है लपेटना, लपेट देता था इसे एक टॉवेल। ये पूरा चीज को जो है एगो तौलिया में, एगो टॉवेल में लपेट देता था। अब पुट दिस, रख देता था इसे एगो टीन में, टीन में ये पूरा कदुआ को एगो टीन में ला करके, जो ये टीन है इसमें पूरा गॉड को लाकर रख देता था। स्पेशली खास करके केप्ट रखा था फॉर द पर्पस, इसी उद्देश्य के लिए। एंड फाइनली और अंततः प्लेस्ड रख देता था द होल थिंग, इन सारी वस्तुओं को, द चारकोल फुट वार्मर, फुट वार्मर कहते हैं अंगीठी को, जहां आग गर्म होता है, कोयला के अंगीठी पर, कोयला के चूल्हा पर, यानी कि नीचे चारकोल फुट वार्मर है, कोयला का चूल्हा है, उस पे रख देता था। देन ही बेंट टू, तब वह चला जाता था सोने के लिए। आपने क्या पढ़ा, जब प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, बीज बाहर निकाल लिया, चाय के पत्ती का लेप लगा लिया, फिर सतह को चमका लिया, तो कुछ सेक इसमें डाल दिया, फिर इसको टिप्पी से बंद कर दिया, इसको एगो तौलिया में लपेट दिया, एगो टीन में रख दिया, और इस पूरे वस्तु को कोयले की अंगीठी पर गर्म करेल दे देता था। उसके बाद सोने के लिए चला जाता था। अरे बाबू, आप लोग को पता होगा कि जब कोई वस्तु गर्म होगी, जैसे आप बैगन को गर्म करते हैं, तो वह बैगन देखता होगा पानी छोड़ता है, पूरा सतह उसका कवर जाएगा, अब पूरा पानी पानी हो जाएगा। कद्दू का भी ऊपरी सतह हट जाता था, पूरा पानी पानी हो जाता था। थोड़ा सूखे ले एगो धागा बांध करके धूप में रख देता था, और उसका कलाकृति अब बनने के कगार पे रहती थी। कहता आय सुन आज ही बोक, जैसे ही वह जागता था नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। मेन कहानी की शुरुआत पैराग्राफ नंबर 19 से होगी, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से पढ़ते रहे। आय सुन आज, बस एक से डेढ़ घंटा सुनना है, पूरी कहानी समाप्त। आय सुन आज, जैसे ही बोक वह जागता था द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही वुड ओपन, वह खोलता था टीन को, एंड एग्जामिन, और परीक्षण करता था, जांच पड़ताल करता था गॉड कद्दू को, कि रात भर गर्म हो ले तो सही से बढ़िया से कर सतह कबरा है कि नहीं। द स्किन, जो कद्दू का ऊपरी सतह होता था हरा हरा, वुड बी थ्रूली, पूरी तरह से डैम्प, गीला हो जाता था, पूरा पानी पानी हो जाता था। गर्म करके देखना, जैसे बैगन का कभी चटनी बनाता हो तो पूरा ऊपरी सतह कवर जाता है, गीला हो जाता है। फ्रॉम द ओवर नाइट ट्रीटमेंट, रात भर के उपचार से, रात भर कद्दू गर्म होने के कारण उसकी ऊपरी सतह पूरी गीली हो जाती थी। सेबी उड गेज, गेज मिस होता है निहारना, सेबी निहारता था एडोरिंगली, घूर घूर के कदुआ के इन्ने उन्ने पलट पलट के देखो हले। एट हिज ट्रीजर, अपने खजाने को, क्योंकि वही तो कलाकृति बनने वाली है। बिफोर टाइंग, बांधने के पहले, टाई का मतलब बांधना, ए स्ट्रिंग, एक धागा, राउंड द मिडिल, कद्दू के बीच में एक धागा बांधे के पहले घूर घूर के देखता था, अब बीच में एगो धागा बांध देता था और लटका देता था इसे सूरज में, धूप में, और सूखने के लिए। तब वह सेट आउट, प्रस्थान कर जाता था, कहाँ, स्कूल। अब जब वह सूख जाएगा तो कलाकृति का रूप धारण करेगा। खैर, देखिएगा आगे लेखक क्या कहते हैं। कहता सेबी लिव्ड, सेबी रहता था इन ए हार्बर टाउन, याद रखना बंदरगाह वाले शहर में रहता था, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बंदरगाह, जहाँ जहाज के द्वारा व्यापार हो सके, जहाँ जहाज आकर रुकती हो, समुद्री जहाज, उसे बंदरगाह कहते हैं।
पोर्ट, POR T, और जहाँ हवाई जहाज आके रुकता है उसे एयरपोर्ट कहते हैं। तो सेबी बंदरगाह वाले शहर में रहता था। अल्दव यद्यपि इट वॉज ऑफिशियली, यह कानूनी रूप से, कागजी रूप से, सरकार के कागजों में ए सिटी, एक शहर था, लेकिन शहर तो लंबा चौड़ा होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कागजी रूप से यह शहर था। वन यह इतना छोटा था, इतना छोटा था कि वन कुड वॉक, कोई टहल सकता था फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि शहर के ई पट्टी से ऊ पट्टी कर सकता था इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स, मात्र 20 मिनट में शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक आ जा सकता था, यह इतना छोटा था। इस पैराग्राफ से दो ऑब्जेक्टिव, एक हार्बर टाउन और एक 20 मिनट में शहर को इस तरफ से उस तरफ जाया जा सकता था। कहता सेबी वाज ऑलवेज वांडरिंग, सेबी हमेशा भटकते रहता था अबाउट द स्ट्रीट, गलियों में, एंड हैड सुन, और शीघ्र ही कम टू नो, जानने लगा था एवरी प्लेस, उस हर स्थान को, डैट सोल्ड गॉड्स, जो बेचते थे कद्दू। अब दिन भर जब उस शहर में भटकता था तो नहीं पता चलते कहाँ कहाँ कद्दू बिको, एंड टू रिकॉग्नाइज, और पहचानने लगा था ऑलमोस्ट एवरी गॉड, सामान्यतः प्रत्येक कद्दू को बाजार में, कि कौन कद्दू अच्छा है और कौन कद्दू खराब है, वह हर कद्दू को पहचानने लगा था। अरे हार्बर टाउन में रहता था, बहुत छोटा था, 20 मिनट में ई पट्टी से ऊ पट्टी हो सकता था, दिन भर गली में ही भटकते रहता था, इसलिए हर कद्दू को जानने लगा कि कहाँ कहाँ बिकता है, और हर कद्दू को पहचानने लगा। कहता है सेबी को कैसा कद्दू पसंद था, इसमें पढ़िएगा, और यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। रे बाबू, कहता ही डिड नॉट केयर, वह नहीं ख्याल रखता था, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देता, थोड़ा ज्यादा पसंद नहीं आता था, मच ज्यादा ओल्ड, मतलब पुराना, ये जी साइलेंट है, नारलेड, नारलेड का मतलब गठीला, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, यानी कोरा ज्यादा पुराना, गठीला, टेढ़ा मेढ़ा कद्दू पसंद नहीं था। पेकुलरली फॉर्म्ड गॉड, विशिष्ट रूप से निर्मित कद्दू भी पसंद नहीं था, पेकुलरली विशिष्ट रूप से निर्मित कद्दू, जिसे दवा के बल पर विकसित किया जाए, हाइब्रिड कद्दू, वैसा कद्दू भी उसे पसंद नहीं था। यूजुअली सामान्यता फेवर्ड, जो पसंद किए जाते हैं संग्राहकों के द्वारा, यानी कि दुकानदारों के द्वारा, जो कोल्ड स्टोरेज में लोग रखते हैं कि भाव बढ़ेगा तब बेचेंगे, तो उसे पुराना, गठीला और हाइब्रिड कद्दू पसंद नहीं था। और कद्दू कैसन पसंद था सो समझो, द टाइप, प्रकार, डाइट अपेल्ड, जो प्रभावित करती थी, जो पसंद आता था सेबी को, वह इवेन एंड सिमेट्रिकल, इवेन का मतलब छोटा और सिमेट्रिकल का मतलब समरूपी, उसे जो कद्दू पसंद थे वह छोटा और समरूपी कद्दू पसंद था, 5 इंची 6 इंची का हो और समान आकार का हो, जितना नीचे चौला हो उतना यहाँ भी, उतनी चौलाई यहाँ भी सब जगह समान हो, समरूपी एक आकार का। इन एगो गांव में कहावत था कि हाथ गोर सुखल साखल पेट चकर दुम, यानी कि हाथ गोर सुखल है पेट पूरा फेंकले, वैसन कद्दू न, नीचे ऊपर सुखल है बीच में पूरा फैलल है कद्दू, वैसन कद्दू न, उसे छोटा और समरूपी कद्दू पसंद था, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कहानी दूसरे तरफ ले जाएगी, तब उन्हीं से सही कहानी शुरू होगी। अब क्या होता है, 8 से लेकर 18 तक आपको यही पढ़ने के लिए मिलेगा, इसके पिता के एक दोस्त आए, अब बताएं तो पापा के दोस्त ही थे, अब तो कोना में बैठ के कद्दू रंगते रहेगा, तो वो दोस्त तो तुम्हारे पापा तर शिकायत करवे करेंगे कि तोर बेटा हको लगो पढ़ो लिखो को नहीं, दिन भर कद्दू जमा करो, तोर पापा के कितना खराब लगेगा, यही बात यहाँ होती है। कहता डैट यंगस्टर ऑफ योर्स, वह जो आपका सबसे छोटा बेटा है,
योर सांप का यंगस्टर सबसे छोटा, वह आपका जो सबसे छोटा बेटा है, ओनली सिम्स, केवल प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है कि लाइक पसंद करता है, ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, साधारण दिखने वाला कद्दू। इतना छोटका बेटवा के लोगो साधारण दिखे वाला कद्दू पसंद आवो, छोटका छोटका छोटकनिया भुटकनिया कद्दूआ पसंद आवो। सेड ए फ्रेंड, एक दोस्त ने कहा, ऑफ हिज फादर, उसके पिता ने कहा, हु हैड कम, जो आए थे टू कॉल, मिलने के लिए। उसके पिता के दोस्त आए थे और कहे, उस बच्चे को दिखा कर कहे, जो कोना में व्यस्त था कद्दू को चमकाने, कि जो तुर छोटका बेटवा है को लोगो खाली साधारण दिखे वाला कद्दू पसंद करो छोटका छोटा। He pointed at, उन्होंने निर्देशित किया, उन्होंने दिखाया, पॉइंट आउट, दिखा करके बोला लड़के को, who was sitting, जो बैठा हुआ था कोना में, एंड बिजली और व्यस्त था पॉलिशिंग चमकाने में एक प्लेन समतल गोलाकार कद्दू को, सेक से सहारे से पूरा चमका रहा था। वकर पापा के दोस्त कलकिन, देखो ये तो छोटका बेटा जे है को लगो साधारण दिखे वाला कद्दू पसंद करो। खैर क्या कहते हैं सो देखिए। इसके पिता को बहुत बेइज्जती लगती है, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, फैंसी, फैंसी लगो है, अच्छा लगो है। ए लैड, एक लड़के को, लैड मिस लड़का, लैस मिस लड़की। इसके पिता के दोस्त कहते हैं, क्या करे दोस्त, हमार बेटा नालायक, एरा ये काम फैंसी लगो, अच्छा लगो एक लड़का को। स्पेंडिंग, बिताते हुए, हिज टाइम, अपना समय, प्लेइंग, खेलते हुए, अराउंड, चारों ओर, लाइक डैट विथ गॉड्स, उस प्रकार के कद्दूओं के साथ। क्या करे दोस्त, इस बच्चे को ना इसी प्रकार के कद्दूओं के साथ खेलते हुए अपना समय बिताना अच्छा लगता है। सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा, गिविंग से बी ए डिसगस्टेड, डिसगस्टेड, घृणित नजर, घृणित या तो नफरत भरी निगाहों से, लुक का मतलब नजर, सेबी को घृणित नजरों से, नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहे, क्या करे दोस्त, इस लड़के को इसी प्रकार के कद्दूओं के आसपास खेलते हुए अपना समय बिताना अच्छा लगता, जरा तुम ही समझाओ ना यार, हम तो कहते कहते थक गए हैं इसको। तो अब जो है इसके पिता के दोस्त सेबी को समझाते हैं, क्या समझाते हैं, सी हेयर सेबी माई लैड, सी हेयर, देखो यहाँ सेबी मेरे बच्चे। सेड द फ्रेंड, दोस्त ने कहा कि देखो मेरे बच्चे सेबी, देयर इज नो यूज, कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं हो, कोई फायदा नहीं हो, जस्ट कलेक्टिंग, केवल जमा करने से, केवल कलेक्ट करने से, लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, लॉट्स ऑफ, ढेर सारी उन प्रकार की वस्तुओं को जमा करने से कोई फायदा नहीं, की कर्मी भुटकना भुटकना कद्दू जमा करके, कोई फायदा नहीं। There is no use, कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है, just collecting, केवल जमा करने से, lots of, ढेर सारी, those things, उन प्रकार की कद्दूओं को ढेर सारे जमा करने से कोई फायदा नहीं है। It is not the quantity, यह quantity नहीं है, यह मात्रा नहीं है, डेट काउंट, जो गिना जाता है, यू नो, तुम जानते हो, यानी कि दोस्त कहना चाहते कि क्वांटिटी का कोई वैल्यू नहीं, क्वालिटी का वैल्यू है, गुण का लोग वैल्यू देते हैं। अरे तुमको अगर यही जमा करना है तो एक के दो को जमा करो, लेकिन ऐसा जमा करो जो देखने में बहुत सुंदर हो, बहुत आकर्षक हो।
बुटिकना बुटिकना तू ढेर सारा जमा कैले केरा देखे लावे, एक के गो जमा करो, बड़ी लंबा बड़ी विशाल हो, चर्चा बन जा कि बाप रे ओरा ही 50 फीट के कद्दू है, पूरा जिला जवार से लोग देखे लाएंगे। कहता है भाट यू वांट, जो तुम चाहते हो करना, इज टू फाइंड, पता लगाओ, वन ऑफ टू, एक या दो वास्तव में असमान दिखने वाला कद्दू, एक ही या दो कद्दू पता लगाओ, लेकिन जो देखने में अनयूजुअल हो, असामान्य हो, वैसा कद्दू बाजार में फिर मिलबे न करे, इतना लंबा चौड़ा मोटा कद्दू पसंद करो। लेकिन सेबी को तो छोटा और समरूपी कद्दू पसंद था, ये सोचा कि कद एक हमारा इसने अच्छा लगो है। अब आप लोग चुप रहिए, ज्यादा बिना फीस का वकील मत बनिए। आई प्रीफर, मैं अधिक पसंद करता हूँ दिस काइंड, इसी प्रकार के कद्दू को, मैं छोटा और समरूपी कद्दू ही पसंद करता हूँ। सेबी ने कहा, सीड सेबी एंड लेट, और चाहा कि ये जो मैटर है ड्रॉप हो जाए, थम जाए, पापा और पापा के दोस्त कद्दू के बारे में बात करना बंद कर दे, नहीं तो जितना देर बात करेंगे उतना देर हमरा प्रति कुछ ना कुछ पापा गलत सोचते रहेंगे, नफरत भरी निगाहों से देखते रहेंगे, और कहीं मामला बढ़ जाए कहीं पिटा भी ना जाए। खैर, कहा जाता है कि जब बुरा वक्त आता है तो फिर आपकी कोई बुद्धि नहीं चलेगी। सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड, सेबी के पिता और उसके दोस्त स्टार्टेड, शुरू कर दिए टॉकिंग, बात करना कद्दूओं के बारे में, जो चाहता था कि नए हो वही बात करना शुरू हो गया। क्या कहते हैं इसके पिता सो देखिए, कहते हैं रिमेम्बर, याद है डाइट बेक इन गॉड, वह बेक इन कद्दू, यह कद्दू का एक टाइप है, कोहरा गोलाकार, डाइट दे हैड, उन लोगों के पास था एट द एग्रीकल्चरल शो, कृषि मेला में, लास्ट स्प्रिंग, जो पिछले बसंत में आयोजित हुआ था। याद रखना, यहां से दो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एग्रीकल्चरल शो आयोजित कब हुआ था, तो बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में, और कौन कद्दू डिस्प्ले किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, तो बेकिन गॉड, बेकिन कद्दू। सेड, कहा हिज फादर, उसके पिता ने कहा, इट वाज ए रियल ब्यूटी, यह वास्तव में एक सुंदर वस्तु थी, बाजेंट इट थी ना मेरे दोस्त, कितना सुंदर हले यार। तो दोस्तवा, एकर पापा के दोस्त कहो है, यस, हाँ मुझे याद है, डैट बिग, वह बड़ा सा, लॉन्ग वन, वह लंबा सा, बड़ी सुंदर हले, बड़ी आकर्षक हले। अब सेबी को तो बड़ा लंबा कद्दू पसंद आता नहीं था, ये मने मने हंस रहे, मने मने कि बोली ने ये देखे हम खराब लोगों वाला सुंदर बता रहे। खैर, अभी सुनते रहा, क्या कहता है सो सुनिए। जब काल मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। एज सेबी लिसेंट, जैसा कि सेबी सुन रहा था दियर कन्वर्सेशन, उनके वार्तालाप को, ही वाज लाफिंग, वो हंस रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन क्रिस गेल के सुंदर बता रहे हमरो बाबू कितना मूर्ख, खराब दिखे वाला वस्तु के अच्छा बता रहे। द बेकिन गॉड, यह जो बेकिन कद्दू थी, मेड क्वाइट ए स्टीर, क्वाइट ए स्टीर, हलचल मचा देना, सुर्खियों में आ जाना, पूरे चारों तरफ चर्चा होना, मेड क्वाइट ए स्टीर, हलचल मचा दी थी एट द टाइम, उस समय पूरे जिले जवार में चर्चा था इस बेकिन कद्दू का, कि बड़ी लंबा बड़ी बढ़िया है। बट वेन ही हैड गोन, लेकिन जब से भी गया था देखने इसे, ही हैड फाउंड इट, उसने पाया था इसे, रेदर स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, स्टूपिड भद्दा दिखने वाली वस्तु, स्टूपिड भद्दा दिखने वाली वस्तु, ये लिखा हुआ हैविंग नो आइडिया, कोई पता नहीं था कि कैसन दिखे में लगेगा, इगुनी से भी चल गया था देखे ले, लेकिन जब गया देखे ले तो ही हैड फाउंड इट, वह पाया था इसे, रेदर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, एक भद्दा दिखने वाली वस्तु, एंड हैड बार्कड आउट, आउट मीन्स बाहर निकल जाना, और बाहर निकल गया था मेला से, क्या इतना खराब वस्तु है, सवेरा अच्छा अच्छा बता रहे,
और अंत में रहा नहीं गया तो सेबी अपने पिता को कह दिया, आई डिडेंट थिंक, मैंने नहीं सोचा था सो मच इतना ज्यादा, जितना आप लोग बराई कर रहे नहीं कद्दू के, हमारा इतना बढ़िया नहीं लग लोल। इंटरप्टेड, दखलंदाजी दिया, टोका टोकी किया, इंटरप्ट मिस टोका टोकी करना, बीच में टोकना, सेबी इट इज जस्ट, यह जो थी ना केवल कलमसी ग्रेट थी, कलमसी बेडौल बड़ी वस्तु थी, यह जो केवल थी एक बेडौल बड़ी वस्तु थी। इट इज जस्ट, यह केवल एक क्लमसी ग्रेट थिंग, यह केवल एक बेडौल बड़ी वस्तु थी, हमने इसके बारे में उतना नहीं सोचा था। अब सोचो, जिस चीज को पापा अच्छा बता रहे और उस चीज को तुम खराब बता रहे हो, पापा को तो बुरा लगेगा, पापा के बात को टोक दोगे पापा को कितना खराब लगेगा, पापा के बात को कितना खराब लगेगा, पापा गुस्सा में आ गए, क्या किए पापा सो देखो। हिज फादर ओपेंड, उसके पिता ने खोली अपनी आंखें बाइड चौरी करके, पापा किया फरलकिन कस के। इन सरप्राइज आश्चर्य में और गुस्से में, गुस्सा तो है ये था कि बेटा नालायक, अब आश्चर्य भी हुआ कि अब तो बेटा जो है हमारी बात को टोकने भी लगा, काटने भी लगा। और क्या कहते हैं सो सुनिए, कहते हैं व्हाट इज दैट, क्या था वह, क्या कहा तुमने, ही शाउटेड, उन्होंने चिल्लाया कि व्हेन यू डू नॉट नो, जब तुम नहीं जानते हो, व्हाट यू आर टॉकिंग, तुम क्या बातें कर रहे हो, यू वुड बेटर, तुम्हें ज्यादा अच्छा होगा, शट अप, मुंह बंद रखो। दो बड़े लोगों के बीच में ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें नहीं पता है कि तुम क्या बोल रहे हो तो अपना मुंह बंद रखो। सेबी डिड नॉट से, सेबी कुछ नहीं कहा, अनदर वर्ड, सेबी ने दूसरा शब्द नहीं कहा। खैर, ये तो पापा का और उसके दोस्त का वार्तालाप था, अब मेन कहानी शुरू होती है, ध्यान से देखिएगा रे बाबू क्या होता है, सो समझिएगा। कहता वन डे, एक दिन की बात है, भेन ही वाज बाकिंग, जब वह टहल रहा था, एन अनफैमिलियर, एक अपरिचित बैक स्ट्रीट, पिछली गली में, करा एक दिन की बात है, जब सेबी टहल रहा था एक अपरिचित पिछली गली में, ही केम अपॉन, उसका सामना हुआ, एन ओल्ड वोमैन, एक बूढ़ी औरत से, विथ ए फ्रूट स्टॉल, जिसके पास एक फलों का दुकान था। करा एक दिन की बात है, सेबी एक अपरिचित गली में टहल रहा था, उसका सामना हुआ एक बूढ़ी औरत से, जिसके पास एक फलों का दुकान था। सिबा सेलिंग, वह बेच रही थी, ड्राइड परसीमन, सूखा खजूर बेच रही थी, परसीमन का मतलब खजूर, एंड ऑरेंजेज, और नारंगियां बेच रही थी, और ऑन द शटर ऑफ द हाउस, और घर के दरवाजे पर, बिहाइंड द स्टॉल, दुकान के पीछे जो घर का दरवाजा था उस पे सी हेड हंग, वह लटकाए हुए थी, ए लार्ज क्लस्टर, एक बहुत बड़ा गुच्छा कद्दूओं का। कहता एक दिन की बात है, से भी टहल रहा था एक अपरिचित गली में, तभी उसका नजर एक बूढ़ी औरत पे पर, वह बूढ़ी औरत जो है सो फलों का दुकान था, वह ड्राइड परसीमन, सूखा खजूर बेच रही थी, ऑरेंजेज, नारंगी बेच रही थी, और घर के दरवाजे पर, जो कि दुकान से सटा हुआ घर था उसके दरवाजे पर, वह एक बहुत बड़ा क्लस्टर, गुच्छा लटकाए हुए थी कद्दूओं का। अब क्या इसका फेवरेट चीज नजर आ गया है, तुरंत ही कहेगा, क्या कहता है सो सुनिए। कहता है कैन आई हैव ए लुक, क्या मैं एक नजर देख सकता हूं, और अनुमति की जरूरत, पागल है इतना पूछल के, दौड़ के भगल के कद्दू देखे ले। सेड सेबी, सेबी ने कहा, एंड इमीडिएटली, और शीघ्र ही, तत्परता पूर्वक, रैन,
दौड़ा बिहाइंड द स्टॉल, दुकान के पीछे जहां वह बूढ़ी औरत कद्दू लटकाए हुए थी, एंड बिगैन एग्जामिन परीक्षण करना, और परीक्षण करने लगा, जांच पड़ताल करने लगा कद्दूओं को। दिल दिमाग स्थिर करके पढ़ो, पढ़ाई के प्रति लगाव पैदा करो कि तुम्हें परीक्षा में ही पूछेगा, जरूर दिल लगेगा। सडनली अचानक ही काउट साइट, अचानक उसकी नजर पड़ी, काउट साइट नजर पड़ना ऑफ वन, एक कद्दू पर। भिचवाज अबाउट, जो लगभग याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कई इंच का लंबा, तो 5 इंच का लंबा, जो लगभग 5 इंच का लंबा था। एंड एट फर्स्ट साइट, और पहली नजर में लुक्ड, दिखा क्वाइट कॉमन प्लेस, और पहली नजर में कुछ यह खास दिखा, कुछ अलग दिखा, समथिंग अबाउट इट, कुछ तो था इस कद्दू में, डेट मेड सेबीज हार्ट बीट, जो कर दिया सेबी के दिल की धड़कन को तेज कर दिया। एक शॉर्ट में भी पूछता है कि भाट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर, तो 5 इंचेज गॉट, देयर वाज समथिंग इन इट, इस 5 इंच के कद्दू में देयर वाज समथिंग स्पेशल, कुछ खास था इसमें। अरे उसे छोटा कद्दू ही पसंद था और समरूपी था, जो उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया। अकबका गया कद्दू खरीदे ले, ये कद्दू का बेहतरीन कलाकृति बनेगा। क्या करता है सो सुनिए। पूछता है हाउ मच, कितनी कीमत है, इज दिस वन, इस एक कद्दू की कितनी कीमत है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, पैंटिंग आउट द वर्ड्स, हांफते हुए शब्दों में, क्योंकि उसका दिल का धड़कन तो ऐसे ही तेज हो गया था। वह हांफते हुए शब्दों में पूछा, इस एक कद्दू की कीमत क्या है। तो बूढ़ी औरत कहती है, बेल, ठीक है, सेड द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, सिंस, चुकी, यू आर, तुम जो हो, जस्ट ए लैड, केवल एक बच्चे हो, केवल एक लड़का हो, आई शैल लेट यू हैव इट, आई शैल लेट यू, मैं तुम्हें इसे दे दूंगा मात्र 10 सेन में, 10 पैसा में। याद रखना 5 इंच का कद्दू का बूढ़ी औरत ने कितना पैसा मांगा, तो 10 सेन, 10 पैसा मांगा। से भी कहता है, इन डैट केस, उस अवस्था में, अगर आप 10 सेन में दे दीजिएगा तब। सेड सेबी, सेबी ने कहा, अर्जेंटली, तत्परता पूर्वक, जल्दबाजी में, अर्जेंटली, तत्परता पूर्वक, क्या कहा, प्लीज होल्ड इट, कृपया रखिएगा इसे, कृपया थाम कर रखिएगा इसे, फॉर मी, मेरे लिए, वॉन्ट यू, रखिएगा ना मेरे लिए, आई शैल बी राइट बैक, मैं वापस आऊंगा विथ द मनी, पैसे लेकर मैं वापस आऊंगा। अगर आप 10 सेन में कद्दू रख दे दीजिएगा, तो कृपया करके उस अवस्था में इस कद्दू को मेरे लिए रखिएगा, मैं यूं गया यूं आया, पैसे लेकर आया। खैर, इतना कहना ही डैश्ड होम। डैश्ड का मतलब होता है दौड़ कर भागना। वह दौड़ कर भागा घर की ओर, एंड इन नो टाइम, बिना समय गवाए हुए दौड़ल गेले, दौड़ल पैसवा निकलल के, दौड़ल अले एट ऑल, पूरी तरह से, मतलब सशरीर पैसे के साथ, बाज बैक वापस आ गया था स्टॉल दुकान के पास। हे बाउट द गॉड, उसने 10 सेन में कद्दू खरीद लिया, एंड टुक इट होम, और इसे घर ले गया साथ। तो याद रखना, 5 इंच का कद्दू 10 सेन में खरीदा था, और इसे कुछ अलग लगा था, इतना अलग लगा कि इसके बाद उसने इस कद्दू से कभी अलग रहा ही नहीं, हमेशा अपने साथ रखता था, और इसके कलाकृति बनाने पर वह हमेशा काम किया करता था। यहीं से कलाकारी का नमूना वह पेश करेगा। ध्यान से सुनिएगा रे बाबू, कहता है, फ्रॉम डैट टाइम, उस समय से जब से वह कद्दू खरीदा था, ही वॉज नेवर सेपरेटेड, वह कभी नहीं अलग हुआ था,
उस समय से वह कभी नहीं अलग हुआ था फ्रॉम हिज न्यू गॉड, अपने नए कद्दू से। इतना बेपनाह मोहब्बत हो गया औरा से, इतना लगाव पैदा हो गया, उसे इतना अच्छा लगा कि कभी उस कद्दू से अलग हुआ ही नहीं। ही वह इवेन यहां तक कि टुकिट ले जाता था इसे एलोंग साथ साथ स्कूल ले जाता था, क्योंकि परेम तो मन नहीं लगता था, कदुए चमकावे मन लगता था। एंड यूज्ड टू पॉलिश और चमकाते रहता था अंडर हिज डेस्क, अपने डेस्क के नीचे इन क्लास टाइम, क्लास के समय में जब क्लास चलते रहता था, मास्टर उन्हें पढ़ाते हो खाली देखते हो वखिया टुकुर टुकुर और नीचे कद्दू चमक रहलो। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, नॉट लॉन्ग, ज्यादा लंबा समय नहीं बीता था उसके पहले ही he was caught, वह पकड़ा गया इस बार by one of the teacher, एक शिक्षक के द्वारा। Who was particularly incensed, एक टीचर पकड़ लिए कद्दू के साथ चमकाते हुए, जो पार्टिकुलरली व्यक्तिगत रूप से बहुत क्रोधित हुए, बड़ी इंसेंस्ड, इंसेंस्ड मिस क्रोधित होना, बड़ी क्रोधित हुए, काहे जानते हो, बिकॉज इट हैपेंड, क्योंकि यह घटना घटी थी, टुक प्लेस इन एन एथिक्स क्लास, एथिक्स कहते हैं नैतिक शिक्षा के क्लास में, याद रखना एथिक्स क्लास में पकड़ाया था, नैतिक शिक्षा के क्लास भी पकड़ाया था, एथिक्स क्लास जिसमें नैतिकता की बातें बताई जाती हो, जिसमें शिष्टाचार की बातें बताई जाती हो। तुम लोग बचपन में मोरल साइंस का क्लास करता हो, बोलो नैतिकता सभ्य बच्चा बनाने के लिए मास्टर बता रहा था, और सभ्यता के क्लास में असभ्यता की बातें हो रही थी, नैतिकता के क्लास में अनैतिकता की बातें हो रही थी। लोग कह रहे हैं चोरी करना पाप है, इन्हें दाएं भाषण दे रहे माइक पकड़ के, अब बायां हाथ से बगल वाला बैग से मोबाइल भी निकाल रहे हैं, तो इसमें आदमी के तो मार के चूर देगा। तो जिस क्लास में नैतिकता की बातें बताई जा रही थी, शिष्टाचार की बातें बताई जा रही थी, उस क्लास में अनैतिकता का काम हो रहा था, से भी पढ़ाई छोड़कर कद्दू रंग रहा था, इसीलिए टीचर पार्टिकुलरली व्यक्तिगत रूप से बहुत क्रोधित हुए, जबकि वह शिक्षक बहुत दयालु थे यार, आगे बताएगा, लेकिन इस बार बड़ी क्रोधित हुए क्योंकि नैतिकता के क्लास में अनैतिकता का काम कर रहा। जैसे कोई नेता कहता है कि भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दो, सस्पेंड करो, अब अपने नेता घुस में पकड़ा जाए, बताओ नेता की कितनी बेइज्जती हो। द टीचर केम फ्रॉम, शिक्षक आते थे अनदर पार्ट ऑफ जापान, जापान के किसी दूसरे हिस्से से, मतलब उस शहर के टीचर नहीं थे, कोई दूसर गांव से आते थे पढ़वे। एंड फाउंड इट, और पाया इसे मोस्ट ऑफेंसिव, अधिक अपमानजनक पाया, अधिक अपमानजनक, अपना अपमान पाया, उन्हें अपने आप को अपमानित महसूस लगा। डैट की चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज, बच्चे शामिल होते हैं पढ़ाई छोड़कर, सच इफिमिनेट पास टाइम, इफिमिनेट घटिया पास टाइम, समय बिताने में, अरे खेल धूप के समय बितावे, गीत गा के समय बितावे, खेलेगा धूपेगा स्वस्थ होगा, गीत गावेगा एक बढ़िया सिंगर बनेगा, लेकिन ये बता तो घटिया तरीके से समय बिता रहा है, एज जैसा कि कलेक्टिंग और कद्दू को जमा करके अपना समय बिता रहा है, कितना घटिया काम करता है भाई। कलेक्टिंग गॉड्स को उन्होंने इफिमिनेट पास्ट टाइम माना था, घटिया समय बिताना माना था, जिससे कोई फायदा ना, कैसे चिनिया बादाम खाए, खाते रहें दो तीन घंटा, छिलका छिल छिल के फेंकते रहें तब यो पेट नहीं भरते, क्या फायदा इसका। ही नेवर माइंडेड, देखो शिक्षक की दयालुता बता रहा है, ही नेवर माइंडेड, वे कभी ध्यान नहीं देते थे, हैविंग हिज स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों को गाते हुए नानी बाबूसी, याद रखना पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, नानी बाबूसी बैलेट, नानी बाबूसी जापान का एक लोकप्रिय लोक गीत है,
कैसे आप लोग के यहाँ चैताबर होता है, वैसी जापान का लोकप्रिय लोकगीत है नानी बाबूसी। तो यदि उनका कोई बच्चा नानी बाबूसी गीत हाउ इवर राव कौसली कर्कश आवाज में, भैंसा के रेग में, कर्कश आवाज में भी गा देता था, तब ये शिक्षक उतना ध्यान नहीं देते थे, नहीं गुस्साते थे, बल्कि उसका ढाढ़स बढ़ाते थे कि बेटा हल्का सा और आवाज को सुरीला निकालो। लेकिन इस बार भेन ही फाउंड, जब उन्होंने पाया सेवी को चुपचाप पॉलिशिंग रंगते हुए अपने कद्दू को, हिज वॉइस, उनकी आवाज ट्रेम्बल्ड काप गई, ट्रेम्बल्ड काप जाना विथ फ्यूरी, गुस्सा से, इतना जोर से गुस्साए उनकी आवाज, मानो आवाज थर्रा उठी थी गुस्से से, इतने गुस्से में थे, फ्यूरी गुस्सा, ट्रेम्बल काप जाना। क्यों? क्योंकि नैतिकता के क्लास में अनैतिकता का काम कर रहा था सेवी। जिस टीचर शिष्टाचार की बातें बता रहे थे, उसी शिष्टाचार के क्लास में वह अशिष्टता का काम कर रहा था, इसलिए शिक्षक की आवाज गुस्से से काप गई थी। क्या कहते हैं सो सुनिए, कहते हैं यू आर एन इडियट, तुम एक मूर्ख हो, ही शाउटेड, उन्होंने चिल्लाया। यहां भी प्रश्न आएगा, जब शाउटेड रहेगा तो टीचर होगा, और एगो बोल्ड होता है, बोल्ड का भी मतलब चीखना या चिल्लाना होता है, तो बोल्ड रहेगा तो फादर होगा। उसके शिक्षक चिल्लाए, अरे यार तुम मूर्ख हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर, एब्सोल्युटली निश्चित ही, नो फ्यूचर, कोई भविष्य नहीं है, निश्चित ही कोई भविष्य नहीं है एक लड़के का लाइक यू, तुम्हारे जैसे लड़के का, जो पढ़ाई छोड़कर कद्दू चमका रहा है, वैसे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। देन एंड देयर उसी वक्त ही कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केट छीन लेना, वे छीन लेते हैं कद्दू को। बीच सेबी हैड स्पेंट, जिसपे सेबी ने बिताया था सो मेनी लॉन्ग आवर, कई सारे लंबे घंटे, कई घंटे काम किया था उस कद्दू को कलाकृति बनाने में, चमकाने में। सेबी स्टेयर्ड स्ट्रेट, सेबी सीधा घूर घूर कर देखता रहा अहेड, आगे की ओर, एंड डिड नॉट क्राई, और कोई शब्द नहीं बोला, कुछ नहीं चिल्लाया, क्योंकि मास्टर बड़ी गुस्सा में था, सेवी गलत काम कर रहा था, चुपचाप रहा बेचारा सेवी। कन्फिस्केटेड छीन लेना, और क्या होता है सो सुनिएगा रे बाब। कहता है कि भेन ही गोट हो, जब वह घर आया, सेवीज फेस, सेवी का चेहरा पेल, पीला पड़ गया था, पेल का मतलब पीला पड़ना, जब आप बहुत उदास होगे ना तब आपका चेहरा बड़ी पीला पड़ जाएगा, लगेगा शरीर में जाने ने। विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे हुए, ही पुट, वह रख देता है अपने पैर को ऑन द बार्मर, अंगीठी पर, कोयला के आग पे रख दल के, एंड सैट, और बैठ गया, लुकिंग ब्लैंकली, ब्लैंकली शून्य भाव से देखते रहा दीवार को। शून्य भाव से देखना क्या होता है, देखना, कभी कभी आपके इन्हीं बातों में इतना खो जाते हैं कि आपकी आंखें टकटकी लगाए रहती है, लेकिन आप कहाँ खोए हुए हो, कोई और वस्तु नजर आता है, सामने देख रहे हो लेकिन सामने वाला चीज नजर नहीं आता, आगे आदमी खड़ा हो जाता है तब यो पता नहीं चलता, वो चुटकी बजाता है तब आपका नजर भंग होता है, तब कहते हो एकाएक क्या हुआ। शून्य भाव से देखना, यानी कि देख रहा हो लेकिन उसे नजर नहीं आ रहा, और अपनी पैर अंगीठी पर रख दिया तो सर मेरा गर्म नहीं लग बोले, दर्द नहीं हो रहा। कहा जाता है ना बाबू, जैसे किसी के माँ पिता हॉस्पिटल में बैठे हुए, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे एकाएक समाचार मिलता, बच्चा बेचारा भागता हुआ हॉस्पिटल की ओर जाता, रास्ते में पैर में एक कील गर जाती है, काटी गरा, बड़ी दर्द होगा, लेकिन उस दर्द से ज्यादा दर्द है कि माँ पिता हॉस्पिटल में एडमिट है। उस दर्द के सामने यह कील गरने का दर्द उस बच्चे को समझ में नहीं आता, वही बात, इसका दर्द जो कद्दू छिनाया था वह ज्यादा दर्दनाक था,
इसलिए अंगीठी का दर्द इसे समझ में नहीं आ रहा था। खैर आफ्टर ए भाई टीचर बड़ी बढ़िया पढ़वे वाला आलखिन बाबू। अब पढ़वे वाला टीचर क्लास में तो डांटवे करो, घरों तक पहुँच जाखिन शिकायत करे। आफ्टर ए भाइल कुछ समय बाद द टीचर अराइव, शिक्षक पहुँच गए सेब घर पे। आज जैसा कि सेबीज फादर सेबी के पिता बाज नॉट एट, अभी तक नहीं लौटे थे घर फ्रॉम द कारपेंटर शॉप, बरही के दुकान से। याद रखना सेबी के पापा काम करते थे कारपेंटर शॉप, बरही के दुकान पर। ऑब्जेक्टिव में पूछे जैसा कि सेबी के पिता नहीं लौटे थे बरही के दुकान से, भेयर ही वर्कड जहां वे काम करते थे। अब जब पापा नहीं मिललखिन, मास्टर हमला कलके मम्मी पर, भला बुरा कहना शुरू कलके। ही द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक, शिक्षक ने सीधा अपना हमला किया ऑन सेबीज मदर, सेबी की माँ पे। सेबी की माँ को भला बुरा कहना शुरू किया कि कैसे आप माँ पिता हैं अपने बच्चे को यही संस्कार देते हैं कि क्लास में पढ़ने के बदले कद्दू रंगता हो। आप भी कोई गलत काम ना करना यार, अपने माँ पिता की बेइज्जती मत करवाना। खैर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, क्या बोला टीचर सो सुनो, इस प्रकार की चीजें, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस प्रकार की चीजें इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है ऑफ द फैमिली, या परिवार की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा संस्कार दे। क्योंकि स्कूल में तो 4 से 6 घंटा रहता है, 18 घंटा तो आपके साथ रहता है, आप अपने बच्चे को सिखाते नहीं है कि क्लास में कैसे बैठना चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा इन ए स्टर्न वॉइस, एक कटु आवाज में, कठोर आवाज में, हम डपट करके कहलके, इट इज द ड्यूटी, यह ड्यूटी है, यह कर्तव्य है ऑफ यू पेरेंट्स, आप जैसे माता पिता का कर्तव्य है टू सी, देखे, ध्यान रखे कि डैट सच थिंग्स, ऐसी चीजें डू नॉट हैपेन, कभी दोबारा घटित ना हो। इन एन एगोनी ऑफ एम्बेरेसमेंट, अब सोचो तुम्हारे गलती के कारण कोई तुम्हारी मम्मी को अपशब्द कहे, भला बुरा कहे, कितना माँ को बेइज्जती लगेगा कि जिस बच्चे को हमने गर्भ में 9 महीना कष्ट सहित पाला था और आज उस बच्चे के नालायकी के कारण हमें डांट सुनना पड़ रहा। इन एन एगोनी ऑफ एम्बेरेसमेंट, शर्मिंदगी के भाव में, एम्बेरेसमेंट, लज्जित हो गई, शर्मिंदी हो गई माँ, शर्मिंदा, शर्मा गई, शर्मिंदगी के भाव में सेबीज मदर, सेबी की माँ मटर्ड, बुदबुदाई, सम अपोलॉजी, कुछ क्षमा याचना, कुछ माफी मांगी कि मास्टर साहब माफ कर दो, आइंदा ध्यान देवे, अब इस गलती नहीं करते। खैर क्या होता है, मीन भाई जिस समय मास्टर इसकी मम्मी को डांट रही थी, सेबी वाज ट्राइंग, सेबी कोशिश कर रहा था टू मेक हिमसेल्फ, स्वयं को इनकंस्पिशियस, छिपाने का, एज पॉसिबल जितना संभव हो सके कोना में, दरवाजा के पीछे छिपावे कोशिश कर रहे कि मास्टर वा देखे नहीं। टेरिफाइड, भयभीत था। ही ग्लांस्ड, वह झाका, वह हुलक के देखा दरवाजा के, एट विंडिक्टिव टीचर, अपने प्रतिशोधी शिक्षक पर, विंडिक्टिव प्रतिशोधी, वैसे शिक्षक मानो जो अपना अपमान का बदला लेने के लिए उतारू हो, पागल हो। एंड एट द बाल, और उस दीवाल पर भी देखा, डायरेक्टली बिहाइंड, जो ठीक पीछे था, भेयर जहां ए होल रो, एक पूरा कतार, फुल्ली प्रिपेयर, पूरी तरह से तैयार कदुओं का लटक रहा था। समझिएगा ऐसे हम टीचर खड़ा, मेरे सामने माँ खड़ी और पीछे उन्हें कोना में से भी छुपल हुलक के देखल के, आ पीछे देवलोक देखल के, जे मास्टरवा के जस्ट पीछे था, जता यहाँ से वहां तक कद्दू लटक रहा।
सभी सोचल के बाप रे बाप, एक कद्दू देखल तो इतना गुस्सा रहले कि पूरा देवले पर कद्दू देख लेगा। अब तो हो सकता है हमरो मारे मम्मियों के पीटे। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान आए बचा लिया खल। खैर ट्रेम्बलिंग, काप रहा था इनसाइड, अंदर ही अंदर काप रहा था। ही वेटेड, वह इंतजार कर रहा था फॉर द बर्स्ट, सबसे बुरे वक्त का, कि कहीं मास्टर का नजर वो पीछे देवला पर पड़ जीता है जब तक कद्दू के खान लटकल है। मास्टर बात काना है झमर कबार लेते। बट लेकिन एट द लेंथ अंत में द मैन व्यक्ति वह टीचर एग्जॉस्टेड उब करके एग्जॉस्ट उब गया। हिज हिटोरिक, अपने भाषण को देते देते, अपने शब्दों को बोलते बोलते, एंड स्टैम्प्ड एंग्रेली, और गुस्सा में स्टैम्प्ड पैर पटक कर आउट बाहर चला गया घर से। जब शिक्षक चले गए तो सेबी हेब्ड साई ऑफ रिलीफ, रिलीफ का मतलब राहत और साई का मतलब सांस लेना, सेबी ने राहत की सांस लिया कि चलो भगवान बचा लिया, मास्टर का नजर दीवार पर नहीं पड़ा। अपना पैर पटक कर स्टैम्प्ड एग्रेली, क्रोधित होकर पैर पटक कर लंबा भाषण को समाप्त कर वह टीचर चला गया। खैर अभी तो बाबूजी आवे के बाकी अखिन भाई, बा देख लही बाबूजी अथिन तो की होते। सेबीज मदर बा सॉबिंग, सेबी की माँ सिसक रही थी सॉफ्टली, धीरे धीरे रो रही थी, कैसन बेटा जन्म दिए। इन ए क्योरलेस वाइन, क्योरलेस झगड़ालू भरी चीख में, मानो बेटा से झगड़ा करेगी। सी बिगैन, वह शुरू की डांटना उसे, बेटा को डांटना शुरू की, गाली देना शुरू की कि कितना नालायक जन्म ले लिया रे, नहीं रहती ले रस बढ़िया से रहते। एंड इन द मेड्स, मेड्स का मतलब बीच में, और इन्हीं सबों के बीच में अब आ गलखिन हा सेबीज फादर, सेबी के पिता रिटर्न्ड, लौट गए अपने दुकान से, बरही के दुकान से। एज सुन एज, जैसे ही हर्ड, उन्होंने सुना, उन्होंने जाना, भाट हैड हैपेंड, क्या घटना घटी है, काहेल हमर पत्नी कान रले, कौची नालायक बेटा किल क्या है। जैसी पता चल रहा है, ही ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का मतलब दबोचना, कस के घिचिएलखिन, दबोचलखिन, पकड़लखिन। हिज सन, अपने बेटे को बाई द कॉलर, वे अपने बेटे को कस के दबोचे, कॉलर से पकड़े। एंड गेव हिम, और दिया उसे ए साउंड बीटिंग, एक अच्छी धुलाई, खूब धोया, गर्दा मार फेट के कचरा छोड़ा दलखिन। यू आर नो गुड, तुम अच्छे नहीं हो बेटे, ही बॉल्ड, उन्होंने चीखा चिल्लाया। याद रखना, साउटेड रहा तो टीचर और बॉल्ड रहा तो फादर, कि तुम अच्छे नहीं हो, यू विल नेवर गेट एनी वेयर, ध्यान से बाबू, यू विल नेवर गेट, तुम्हें कभी नहीं प्राप्त होगा कोई जगह संसार में, द बे, जिस रास्ते पर तुम आगे बढ़ रहे हो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, संसार में तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगा, तुम ऐसा ही गलियों में भटकते रह जाओगे। आई हैव ए गुड माइंड, मेरा अच्छा दिमाग कहता है, यानी कि मेरा दिमाग कह रहा है, थ्रो यू, फेंक दू तुम्हें बाहर उन्हीं गलियों में, वेयर यू बिलोंग, जहां से तुम संबंध रखते हो, जिन गलियों में तुम दिन भर भटकते रहते हो, मेरा दिमाग कहता है कि तुम्हें मैं उसी गलियों में फेंक दू। द गॉड्स, यानी कि कद्दू ऑन द वॉल, जो दीवार पर लटक रहा था, काउट हिज अटेंशन, उनका ध्यान खींचा, काउट अटेंशन, ध्यान खींचना, उनको नजर ले कदुआ, कलखिन अच्छा रोक, नहीं बास रहता, नहीं बासरी बजता, सब कदुए चूर दे भाई तो। विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे हुए, ही फेच, उन्होंने लाया, फेच का मतलब लाना, निकाला, हिज हैमर, अपने हथौरों को, अपना हथौरा लाया,
एंड सिस्टमेटिकली और कर्मानुसार कर्म से एक बाई एक करके स्मैश्ड चकनाचूर कर दिया देम उन्हें टुकड़े टुकड़े में, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, एक एक कद्दू के चूर कर दिलखिन। सेबी टर्न्ड पेल, फिर से सेबी का चेहरा पेल पीला पड़ गया, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब बात उठता है कि जो टीचर ने कद्दू छीना था, जो कि कलाकृति का रूप धारण कर लिया था, आखिर उस कद्दू का क्या हुआ? देखिएगा, यही से इसके कलाकारी का पता चलेगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर गेव, शिक्षक ने दे दिया, सेबीज कन्फिस्केटेड गॉड, सेबी का छीना हुआ कद्दू, टू एन ओल्ड पोर्टर, एक बूढ़े चपरासी को दे दिया, हु वर्कड, जो काम करता था स्कूल में। अगले दिन शिक्षक ने क्या किया कि छीना हुआ कद्दू एक बूढ़े चपरासी को दे दिया, पोर्टर का मतलब चपरासी। हेयर, यहां टेक दिस लोई से, ही सेड, उन्होंने कहा, एज इफ मानो हैंडिंग ओवर, थमा रहे हो सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, कोई गंदी वस्तु, अनक्लीन ऑब्जेक्ट, ऐसे करके बोला, मतलब मन घिना करके ले ले जो रहा, ऐसे बोला मानो कोई गंदी वस्तु थमा रहे हो, कचरा फेंकेल कह रहे हो। द पोर्टर टुक द गॉड, चपरासी ने कद्दू को लिया, टुक द गॉड होम, चपरासी ने कद्दू को घर लेकर चला गया, विथ हिम, अपने साथ, एंड हंग इट, और लटका दिया इसे ऑन द वॉल, दीवाल पर, ऑफ द स्मॉल, एक छोटे सूती, सूती कहते हैं यहाँ पर, सूती का मतलब अंधेरा होगा, एक छोटे अंधेरे कोठरी के दीवाल पर उसने कद्दू को लटका दिया। खैर आगे क्या होता है, अबाउट टू मंथ्स लेटर, लगभग दो महीने बाद, द पोर्टर फाइंडिंग, चपरासी पा रहा था हिमसेल्फ, स्वयं को इवन मोर, ज्यादा हार्ड प्रेस्ड, तंग हालत में, फॉर मनी, पैसे के लिए। दो महीने के बाद चपरासी को पैसे की तंगी आई, पैसे की कमी का एहसास हुआ, देन यूजुअल, सामान्य दिनों से। तो जब पैसे की कमी हुई तो डिसाइडेड, निर्णय लिया, तो टेक, ले जाना है कद्दू को कहाँ, टू ए स्मॉल लोकल क्यूरियो शॉप, एक स्थानीय कलाकृति के दुकान में, जहाँ कद्दू से सजने वाली वस्तु, सजावट वाली वस्तु बिकती है, कलाकृति का दुकान, क्योंकि कलाकृति का रूप धारण कर लिया था, सजवे वाली वस्तु बन गई थी, टू सी, देखने के लिए, इफ ही कुड गेट, यदि वह पा सकता था, मिल जाए, ए फ्यू कॉपर्स, कुछ सिक्के इसके बदले में, पैसा के तंगी है ये था, सोचा रहा ले जाके देखो ये कलाकृति के दुकान में, हो सकता है अकर बदले कुछ पैसा मिल जाए। द क्यूरियो डीलर, जो कलाकृति का दुकानदार था, एग्जामिन, परीक्षण किया, जांच पड़ताल किया कद्दू का सावधानी पूर्वक, देन एज्यूमिंग, तब धारण करते हुए, एज्यूम धारण करना, मुंह बनाना, एन अनइंटरेस्टेड टोन, अनइंटरेस्टेड मानो रुचि नहीं हो, अरुचि स्वर में, अनइंटरेस्टेड टोन में, हैंडेड इट, थमा दिया इसे, वापस चपरासी को दे दल के, बेर अनइंटरेस्टेड टोन, बेरुखी आवाज में कहते हुए, आई माइट गिव यू, मैं दूंगा तुम्हें, कैन, पांच एन इसके बदले। चपरासी तो आश्चर्यचकित हो गया, अरे हम सोचा लिया एक आध पैसा मिलते, यहाँ पांच एन, पांच रुपया मिल रहा है, जरूर इसमें कुछ बात है। तो बात उठता है सर, क्यूरियो डीलर काहे बेरुखी अंदाज में बोला, बताओ अगर वो दुकानदार बोल देता बड़ी झकास हो, इतना बढ़िया तो कहीं मिलवे न करतो, बड़ी कीमती हो, तो उसका कीमत बढ़ नहीं जाता, इसलिए वह अनइंटरेस्टेड टोन में बोला, लेकिन बोल दिया पांच एन देंगे। चपरासी समझदार था यार, क्या कहा चपरासी सो सुनिए। द पोर्टर वाज अस्टाउंडेड, चपरासी आश्चर्यचकित हुआ, अचंभित हुआ, बट बिंग क्वाइट एन एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब समझदार, एक समझदार बूढ़े व्यक्ति की तरह
रिप्लाइड, जवाब दिया कूली ठंडे पूर्वक, क्या आई सर्टेनली, मैं निश्चित ही वुड नॉट पार्ट विथ इट, नहीं दूंगा इसे उतना में, मैं निश्चित ही यह कद्दू आपको इतना में नहीं देंगे। द डीलर, जो क्रियो डीलर था, दुकानदार था, इमिडिएटली शीघ्र रेज्ड, बढ़ा दिया अपने ऑफर को 10 एन में, कल के हटाओ 10 एन देंगे। द पोर्टर वाज स्टिल एडमिनेंट, चपरासी अभी तक अडिग था कि नहीं ना इतना भी नहीं देंगे, वो समझ गया था चपरासी कि जरूर एरा में कुछ खासियत। सोचो मात्र 10 पैसे में खरीदा था, अभी 10 रुपया देवल तैयार है, अभी और बढ़ेगा, रुकिए ना, यही तो है कलाकृति, यही तो है कलाकार। इन द एंड, कहता अंत में, द क्रियो डीलर, कलाकृति का दुकानदार, हैड टू पे, भुगतान करना पड़ा, कै एन, 50 एन कद्दू के बदले। सोचो टेबी ने कितना सेन में खरीदा था, 10 सेन में, और दुकानदार को कितना एन में बिका, 50 एन में। अब ये 49 रुपया 90 पैसा फायदा हो गया, 10 पैसा के व्यापार में 49 रुपया 90 पैसा का फायदा भी और होते, देखो। द पोर्टर, चपरासी, लेफ्ट द शॉप, चपरासी ने दुकान को छोड़ दिया, डिलाइटेड, प्रसन्न था, एट हिज लक, अपने भाग्य पर, बाप रे इतना रुपया प्राप्त कर ली, जानो 50 एन 50 रुपया उसका 1 साल का वेतन था, 1 साल का वेतन उसको फ्री में एगो गिफ्ट के बदले मिल गया, फ्री का गिफ्ट में, बिना काम कैले 1 साल के वेतन समझो मिल गया। कहता इट बाजेंट ऑफ एन, ऐसा प्रायः नहीं हुआ था कि द टीचर गेव, शिक्षक ने दिया था, वन ए फ्री गिफ्ट, एक मुफ्त का उपहार दिया हो, जो इक्विवेलेंट बराबर हो टू इयर्स वेजेज, 1 साल के वेतन का। ही वाज सो क्लेवर, वह इतना चालाक था, एज नॉट टू मेंशन, नहीं चर्चा किया इस मैटर को किसी से, केरोन बताया, न टीचर को न सेबी को, काहे लगा टीचर को बता देंगे, उस समय 50 एन की वैल्यू थी, लगा टीचर को बता देंगे, टीचर कहेगा हम ही दिए थे, चल लाओ हमरो कुछ हिस्सा लाओ, और सेबी जान जाएगा तो कहेगा वो तो हमरे कलाकृति था, लाओ पूरा पैसा लाओ हमको, इसलिए केरोन बताया चुपचाप रहा। एंड नाइदर सेबी, और ना तो सेबी ना तो शिक्षक इधर हर्ड, कभी जान पाए व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था कद्दू को, उन्हें कुछ पता नहीं चला। लेखक कहते हैं कि यस, हाँ ये सच बात है कि चपरासी समझदार था, चालाक था, क्योंकि उसने 5 एन से 50 एन में बेचा, अगर चालाक नहीं रहता तो 5 एन में दे देता, लेकिन अडिक था कि नहीं हम इतना नहीं देंगे, तब 50 सेंट मिला। बट ही वॉज नॉट क्लेवर इनफ, लेकिन वह काफी ज्यादा चालाक नहीं था, क्लेवर इनफ काफी चालाक। लिटिल डिड ही इमेजिन, अगर थोड़ा सा भी वह कल्पना करता, थोड़ा सा भी सोचता कि दिस सेम गॉड, यही समान कद्दू वुड बी पास्ड ऑन, स्थानांतरित कर दिए जाएंगे, बेच दिए जाएंगे दुकानदार के द्वारा, बाय द क्रियो डीलर टू ए वेल्दी कलेक्टर, एक धनवान संग्राहक हो जिसे कलाकृति जमा करने का शौक हो, जिसे अपने घर को सजाने का शौक हो, इन द डिस्ट्रिक्ट जिला में कैन में 600 एन में। सोचो सेबी ने खरीदा था कैसेन में, 10 सेन में, दुकानदार ने खरीदा 50 एन में, और दुकानदार ने बेचा 600 एन में। सोचो 10 सेन का कद्दू 600 एन, 600 रुपया में बिका, कौन बिजनेस में इतना फायदा है, यही तो कलाकार का गुण होता है, लेकिन उसके माता पिता उसके कलाकारी को नहीं पहचान पाए, वे उस पर दबाव बनाते थे पढ़ने के लिए, जबकि उसके माता पिता को सोचना चाहिए तो उसमें पढ़ने का लक्षण है ही नहीं, उसमें कलाकारी का गुण है, उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाते तो सेबी आज दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बन गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे व्यस्कों की दुनिया बर्बाद करती है युवाओं की दुनिया को, उस पर बोझ डाला जाता है
कि तुमको यही काम करना है, जबकि उस बच्चे को उस काम करने में मन ही नहीं लगता है। इसलिए कहा जाता है अपने शौक के अनुसार काम करो, लेकिन हाँ सकारात्मक शौक रखना चाहिए, नकारात्मक नहीं। और अपने माँ पिता की हैसियत भी देखनी चाहिए कि हमारे माँ पिता किस लायक है और उसी अनुसार काम करनी चाहिए। खैर कहता है सेबी इज नाउ इनग्रोस्ड, सेबी अब व्यस्त रहता है इन हिज पिक्चर, अपने तस्वीरों में। कद्दू को जमा करना जब छोड़ दिया तब पेंटिंग का काम करना शुरू किया, क्योंकि कलाकार है कलाकार ये करेगा। ही नो लॉन्गर फील्स, लेकिन एक सभ्य बेटा था, वह ज्यादा लंबे समय तक नहीं महसूस किया एनी बिटरनेस, कोई नफरत कोई कटुता, या तो अपने टीचर के प्रति या तो अपने पिता के प्रति, हु स्मैश्ड, जो चकनाचूर कर दिए थे उसके सारे बहुमूल्य कद्दुओं को टुकड़ों में। वह न तो अपने टीचर के प्रति नफरत रखता था, न अपने पिता के प्रति नफरत रखता था, एक सभ्य बेटा था। आपको भी सभ्य बननी चाहिए यार। एट ग्रेजुअली, फिर भी धीरे धीरे उसके माता पिता जो है, एट ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे हिज फादर, उसके पिता बिगन टू स्कोल्ड, स्कोल्ड डांटना शुरू कर दिए हिम, उसको फॉर पेंटिंग टू, तस्वीरों को रंगने के लिए भी उसे डांटना शुरू कर दिए। देखिए यही सुंदर कलाकृति बनाता था कद्दू से, आप देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर कलाकृति है। अगर आप अपने घर के टेबल पे रख दोगे तो कितना झकास लगेगा देखने में, आप देख सकते हो। यही कलाकृति सेबी के द्वारा बनाया जाता था कद्दू और कोहरों के सहारे, लेकिन उसके माता पिता उसके इस कलाकृति को, उसके इस कलाकारी को पहचान नहीं पाए और उसे जो है हमेशा डांटते थे, हमेशा उसे दुत्कारते थे, जिसके कारण उसे यह कलाकारी छोड़ना पड़ा। इस तरह से यह कहानी दिखाती है कि कैसे व्यस्कों की दुनिया बर्बाद करती है युवाओं की दुनिया को। खैर आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में मेहनत करें ताकि आप उसमें अपना भविष्य उज्जवल करें। आशा करता हूँ कि अगर सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। एक बार एकाग्रचित होकर, करीब 1.5 घंटे का वीडियो है, एक चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर अगर आप चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन स्टडी ट्रेंड ऐप पे मिलेगा, और अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है बाबू तो आप जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 8409664982, 8409664982, इस पे कॉल कीजिएगा, आपको सारी जानकारी दे दिया जाएगा। मात्र अभी क्रैश कोर्स का बैच चल रहा है 299 रुपया में। मैं आपको गारंटी देता हूँ 85 नंबर अंग्रेजी में और 85 नंबर हिंदी में, उससे ज़्यादा आएगा अगर आप हल्का सा मेरा साथ देते हैं तब। आज इतना भरी, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में इसी तरह से। सभी को गुड नाइट, फिर मिलते हैं।